हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपने चैनल पोषण टेक्निकल गुरु जी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको मर्चेंट नेम के बारे में पता चले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मर्चेंट नेवी के अंदर प्रमोशन कैसे होता है और हमारी सैलरी कैसे बढ़ती है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जीप रेटिंग से स्टार्ट होके कैप्टन तक का प्रोसेस पूरा बताने वाला हूं और कैसे उनकी सैलरी क्या होती है पूरा बताता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले आप देखिए यहां पे, ये आपका कैप्टन डिवाइड हो गया डेक साइड पे, डेक इंजन, इसको आप या तो कुक डिपार्टमेंट बोल सकते हो या सैलून डिपार्टमेंट बोल सकते हो, ठीक है। चलो मैं कुक डिपार्टमेंट लिखता हूँ, ठीक है। सैलून डिपार्टमेंट भी आप लिख सकते हो। डेक में क्या होता है, यहाँ पे चीफ ऑफिसर होता है, और यहाँ आपका सेकंड ऑफिसर होता है, फिर आपका थर्ड ऑफिसर, फिर आपका यहाँ पे होता है बोसन होता है, फिर आपका एबी होता है, फिर आपका ओवर्स होता है, फिर आपका ट्रेनिंग ओवर्स होता है, जो आपकी ब्रेस सर्विंग, ब्रेस मतलब जब आप फर्स्ट बार जहाँ ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग ओवर्स पे जाना पड़ता है, ठीक है। इंजन में आता हूँ, इंजन पे आपका चीफ इंजीनियर हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया, देन सेकंड इंजीनियर हो गया, फिर हो गया आपका थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर हो गया आपका, फिल्टर हो गया, कोयलर हो गया, या मोटरमैन, फिर आपका हो गया वाइपर हो गया, फिर आपका हो गया ट्रेनिंग वाइपर, यहाँ पे आपका हो गया चीफ कुक, यहाँ हो गया कुक, यहाँ हो गया जीएस जो खाना सर्व करता है जिसको बोलते हैं जनरल स्टीवर्ड, ठीक है। ये आपका पूरा पैटर्न जहाज पे इतने लोग काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्षेत्र कितना होता है, मैं नॉर्मल से दोनों में बताऊंगा, ठीक है। इसका होता है आपका 250 से $250 से आपका $600 तक, मतलब 20,000 से अब देख लो आप 40,000 या 50,000 के बीच में आपका इसका सैलरी होता है जीएस का, ठीक है। अब एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि यार तुम छोड़ो यार, तुम डॉलर में मत बताओ, हमें इंडियन करेंसी में बताओ। तो मैं इंडियन करेंसी में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 20,000 से 60,000 मान लो यार उतना मिलता है, ठीक है, बड़ी कंपनी में। और कुक का मान के चलो नॉर्मल सी कंपनी में 1 लाख से 3 लाख, नहीं 2 लाख, 1 लाख से 2 लाख कुक का, ठीक है। अब चिप कुक का आपका आता है 2 लाख से 5 लाख तक आता है, बड़ी बड़ी कंपनी में और भी ज्यादा होता है, ठीक है, इतना होता है। फिर आपको मैं ट्रेनिंग ओवर्स का बताता हूँ, ट्रेनिंग ओवर्स और ट्रेनिंग वाइपर का सेम है, ओवर्स और वाइपर का सेम है, ऑयलर और एबी का सेम है, और फिटर और बोसन का सेम है, इनका मतलब सेम है। और कैप्टन और चीफ इंजीनियर का ऑलमोस्ट लगभग सेम है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आपको, ट्रेनिंग ओवर्स का सैलरी आपको मिलेगा 18,000 से 60,000 तक हो सकता है, ठीक है। ओवर्स का सैलरी आपका 40,000 से 1,20,000 तक हो सकता है, ठीक है। सेम इसी का भी ये चल रहा है, वाइपर का भी, इसका भी चल रहा है, ठीक है। अब आता है एबी या ओयलर का या मोटरमैन का, एबी का सैलरी आपका रहेगा
साठ हजार से 1,60,000 उधर का भी, मोटर वैन का भी, ठीक है। और बोसन का आपका रहेगा 1,00,000 से 3,00,000 तक। और फिटर का भी इतना रहता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी में अलग अलग है। और इसका भी आपको थर्ड ऑफिसर का आपको मिल जाएगा समथिंग 1.2 से 4,00,000 तक। तो सेकंड ऑफिसर का आपको मिल जाएगा, सेकंड ऑफिसर 13 जनरल का आपको सैलरी मिलेगा समथिंग 3,00,000 टू 8,00,000 तक। और चीफ ऑफिसर का आपको सैलरी मिलेगा 5,00,000 टू 15,00,000 तक, 18,00,000 भी हो सकता है। कैप्टन का सैलरी मैक्सिमम होता है आपका 22,00,000 तक। मैंने मतलब इतना सुना है, वो भी कौन से बड़ी कंपनी में, कौन से जहाजों में, एलएनजी कैरियर में, कोई बोलता होगा नहीं होती है भाई, मैंने पूछा ये चीजें तो इतनी होती है, ठीक है। और चीफ इंजीनियर की आपकी सैलरी लगभग कैप्टन के बराबर रहती है, लेकिन 20,00,000 तो मैक्सिमम मान के चलो, और मिनिमम भाई 8,00,000, मिनिमम 8,00,000, ठीक है। 8,00,000 ही मिनिमम कैप्टन की होती है, मैक्सिमम 22,00,000 तक कितनी भी जा सकती है, ठीक है। अब बात आती है, मतलब पूरा सैलरी का बता दिया आपको, पता चल गया है एकदम क्लियर, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और अब आता है कैसे कैसे हम आगे मतलब बढ़ते हैं यहाँ से। पहली बात तो ये हमारा मतलब पहले जब जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं तो उसके बाद हमें चूज करना पड़ता है कि हम इंजन साइड जाएंगे या डेक साइड। हमें कैप्टन बनना है, ऑफिसर बनना है तो हम डेक साइड जाएंगे, यदि हमें इंजीनियर बनना है तो हम इंजन साइड जाएंगे, ठीक है। इंजीनियर का, इंजन साइड का निचला पोस्ट है ट्रेनी बॉय पर, डेक साइड के है ट्रेनी बॉयस ऑर्डिनरी सी में, ठीक है। पहले तो हम ट्रेनी ऑर्डिनरी सी में जाते, ठीक है। उसके बाद हम बनेंगे जब हमारे वाचकीपिंग निकल जाएगी, वाचकीपिंग 9 महीने में निकलती है, 6 महीने में निकलती है, 9 महीने मान लो निकल जाएगी, ठीक है। वाचकीपिंग निकलने के बाद हम ओएस बनेंगे, ओएस के बाद कंपनी हमें एबी बनाती है। ऐसा नहीं है कि हम एबी बनेगी बनेगी, हमारे काम पे डिपेंड है, हमारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड है, ठीक है। हम काम कैसा कर रहे हैं उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो हमें एबी बनाएगी, एबी के बाद हमें बोसन बनना तो हम बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक कोर्स होता है, वो कोर्स करने के बाद हमें क्या बोलते हैं सेकंड मेट का आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। हमें सर्टिफिकेट मिलेगा सेकंड मेट का, इसका हमने एग्जाम क्लियर किया, हम एबी के बाद बनेंगे क्या थर्ड ऑफिसर। इसमें एक चीज और बता दूंगा आपको, कुछ कंपनी क्या करती है, आप ये एग्जाम क्लियर करते हो, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सेकेंड मेट का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप थर्ड ऑफिसर भी बन जाओगे। लेकिन कुछ कंपनियां क्या कहेगी आपको कि हम आपको जूनियर थर्ड इंजीनियर थर्ड ऑफिसर में रखेंगे। इसका रीजन ये कंपनी मतलब ज्यादा पे नहीं करेगी, आपकी सैलरी कम रहेगी, हालांकि आपसे काम तो थर्ड ऑफिसर का ही करवाएगी, ठीक है। तो इतना है, फिर आपका इसके बाद आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, थर्ड ऑफिसर के बाद आपको कोई एग्जाम नहीं है। फिर आपको प्रमोशन होता जाएगा, कंपनी प्रमोट अपने आप कर देगी, जैसे आपका काम है वैसे उस हिसाब से, सेकंड ऑफिसर, उसके बाद चीफ ऑफिसर, उसके बाद देन कैप्टन, आप कैप्टन बन सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इंजन साइड की, इंजन साइड की निचली पोस्ट आपको पता है ट्रेनी वाइपर, ट्रेनी वाइपर से सेम प्रोसेस है, ट्रेनी वाइपर से वाइपर, वाइपर से हम ऑयलर बन सकते हैं, मोटरमैन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मतलब अच्छी वेल्डिंग आती है जो भी है तो हम फिटर बन सकते हैं। लेकिन कोई बंदा चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं या मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं, तो फोर्थ इंजीनियर का एग्जाम देता है, तो ये सेकेंड इंजीनियर ये अपना फोर्थ इंजीनियर बन जाता है। उसके बाद ये प्रमोशन सेम लाइक है ऐसे ही है थर्ड इंजीनियर का, ये उसके बाद सेकेंड इंजीनियर का है, उसके बाद चीफ इंजीनियर का, चीफ इंजीनियर बन जाता है। तो चीफ इंजीनियर के बाद ये कैप्टन नहीं बन सकता, ठीक है। कैप्टन बनने के लिए आपको डेक साइड ज्वाइन करना पड़ेगा, और चीफ इंजीनियर बनने के बाद आपको ये इंजन साइड ज्वाइन करना पड़ेगा। ये आपकी सैलरी हो गई, ये आपका प्रमोशन हो गया, ठीक है। इतनी सैलरी है, और अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए
जीएस के लिए, कुक डिपार्टमेंट के लिए आपको कोर्स करने पड़ते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया और दूसरा हो गया आपका सीसीएमसी कोर्स हो गया, ठीक है। तो रेटिंग लेवल पे यदि वो कोर्स आपके पास है तो आप पहले जीएस बनोगे, मतलब जनरल स्टेबुट, ये खाना सर्व करता है, ठीक है। उसके बाद आप बनोगे कुक, इसमें इतना सैलरी होता है। कुक के बाद बनोगे चीफ कुक, इसमें बहुत ही ज़्यादा सैलरी होता है, इससे भी ज़्यादा होता होगा क्योंकि कुछ कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा सैलरी पे करती है, ठीक है। ये मैंने आपको सैलरी का स्ट्रक्चर पूरा बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक बात और मैं बता दूँ कि मर्चेंट नेवी का ऐसी जॉब है जिसे मतलब बहुत ही कम एज के अंदर, बहुत ही कम उम्र के अंदर बंदा बहुत ज़्यादा सैलरी मंथली लेने लग जाता है। आपको पता ही होगा फर्स्ट ईयर 18-60,000, उसके बाद यदि ओएस बनता है अगले साल तो 40,000 to 1,20,000 रुपये, तीसरे साल बनता है 60,000 to 1,60,000 रुपये, फिर एबीपीए मतलब परफॉर्मेंस हमें 3 साल 36 महीने का, यहाँ पे हमें लेना पड़ता है 36 मंथ वास, ठीक है। 36 मंथ वास कम्प्लीट होने के बाद हम एग्जाम क्वालिफाई, एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं, ठीक है। तो हमें 3 साल के समथिंग ये एबी का करना पड़ता है और उसके बाद हम ये एग्जाम क्वालिफाई मतलब एग्जाम देने के लिए तैयार हो पाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पूरा स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ गया होगा। सैलरी के मैंने इधर बता दिया, प्रमोशन इधर बता दिया और एक डिपार्टमेंट का इधर बता दिया। और जहाज में 3 ही डिपार्टमेंट होते हैं, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट, कुक डिपार्टमेंट, ठीक है। ये डेक का पूरा ऑफिसर्स का। और अब एक बंदे का और है तो मैं चलो मैं वो इसी में बता देता हूँ, ठीक है। उसने बोला कि बीएससी वाले और जीएमई वाले या डीएनएस वाले वो उनका क्या किस्सा रहता है, ठीक है। अब मैं देखो ये चीजें यहां तक इधर से देखिए आप, ये थर्ड ऑफिसर यहां से स्टार्ट हो रहा है या फोर्थ इंजीनियर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसको बोलते हैं आपको रेटिंग स्टाफ, मतलब रेटिंग क्रू बोल सकते हैं, क्रू बोल सकते हैं, रेटिंग वाले बोल सकते हैं रेटिंग। और ये है नॉटिकल ऑफिसर, इनको ऑफिसर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और आता है डेक कैडेट, डेक कैडेट आते हैं, ठीक है। जो डीएनएस कोर्स करते हैं या बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स करते हैं वो पहले डेक कैडेट होते हैं, डेक कैडेट के बाद उनको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर वो थर्ड ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी जीएमई, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ऐसे आगे बढ़ते हैं। और ये रेटिंग डिपार्टमेंट है, इनका काम है जहाज का मेंटेनेंस देखना, ठीक है। नॉर्मल काम है जहाज के ऊपर का, ठीक है, डेक का हो गया, इंजन का हो गया। और इनका इंजन चलाने का, इंजन की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑफिसर्स को जहाज चलाना पड़ता है, ठीक है। पूरा जहाज का मेंटेनेंस पूरा बता दिया है और उसके लिए बता दें सीसीएमसी कोर्स भी है, होटल मैनेजमेंट कोर्स भी है, यदि आपके पास है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी बता दिया। तो फ्रेंड्स मैंने मर्चेंट नेवी के अंदर प्रमोशन कैसे होता है, उस प्रमोशन के अंदर सैलरी कितनी होती है वो मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको मर्चेंट नेवी के बारे में पता चले और वो अच्छे से ज्वाइन कर सके। क्योंकि फ्रेंड्स अभी के टाइम में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है इसमें भी। तो अभी इसमें मतलब बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, तो ताकि फ्रॉड से बचने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि उनको फायदा हो, न कि वो फ्रॉड में फंसे। थैंक यू फ्रेंड्स।